मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त कौस्तु। प्यारा दोस्त, प्यारा पति तो नहीं बन पाया, प्यारा दोस्त बनना है ऐसे। और प्यारा दोस्त भी नहीं कभी बन सकता, मैं इसकी दोस्त थी पहले, वाहियात तरीके से रहा है और गलती से शादी भी हो गई। कुछ बोल लूँ मैं? सारी बेइज्जती तुरंत ही कर देगी, थोड़ा टाइम ले लिया कर, कभी कुछ तो टाइम लिया कर। मतलब जरूरत क्या है, हम जो करने आए कर ले। हाँ चलो वीडियो देख लेते हैं, और क्या है अब इसके साथ ही वीडियो देखना है तो और क्या है। पर इस बात की खुशी है कि आपके साथ देखना है, आपके बस इसके साथ देखना है, इस बात का गम जरूर है पर आपके साथ देखना इस बात की खुशी है। तो हम लोग देखने वाले हैं नॉट योर टाइप का वीडियो, और इट्स अबाउट स्कूल लाइफ। और स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स डे होता है, वैसे इनका भी स्पोर्ट्स डे है। स्पोर्ट्स डे हुआ है, आपके भी हुआ है क्या? क्या होता है स्पोर्ट्स डे? सबके स्कूल में होता है? हमारा नहीं होता था भाई, हम तो खुद ही खेल लेते थे। हमारा दोबारा डे स्पोर्ट्स डे था। सबके एनुअल फंक्शन होते हैं स्पोर्ट्स वाले। हमारा तो सीधे स्पोर्ट्स डे, खुद ही खेल लो जब मर्जी तब खेल लो। वो उसे गेम क्रिएट कहते थे दोस्तों। अच्छा वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है जो डेली जो आपको एक पीरियड मिलता है ना, वो गेम क्रिएट। और उसके बाद जो तुम स्कूल के बाद जो स्कूल में रुक के क्रिकेट खेलते हो, वो पर उसी दिन में तो खेल रहा हूँ मैं, उसी दिन में स्पोर्ट्स डे उसी दिन में खेल रहा हूँ। नहीं दैट इज डिफरेंट यार, अब ये ना कॉन्वेंट वाले हैं ना, अपन तो भाई हिंदी मीडियम सरस्वती। तो भी क्या हुआ, कॉन्वेंट और हिंदी मीडियम में हमारे एनुअल डे पे भाषण दिए जाते थे, ठीक है, सभाएं होती थी, लोग जर्मगोशी से भाषण दिया करते थे। कौन सी खुशी से? कोई तो भी था, वो भूल गया मैं शब्द, इग्नोर कर। गर्म जोशी से भाषण दिया करते थे। इट्स फाइन नाउ, इट्स गुड। देखा कितनी अच्छी हिंदी मेरी ना, तो बराबर देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। स्पोर्ट्स डे स्कूल की एक ऐसी मस्ती जो साल में कब आनी होती है किसी को नहीं पता। मानो प्रिंसिपल के दिमाग में एकदम से ये आइडिया आया हो। स्कूल में तो स्पोर्ट्स डे होना चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है। अरे ये तुम्हारे पास है 100, 200, 300, और अपने बच्चे बंटू को बोलना स्कूल रेगुलर आया करे, उसकी अटेंडेंस बहुत कम है। स्पोर्ट्स डे एक ऐसी चीज है जो सारे बच्चों को एक्साइटेड कर देती है। स्पोर्ट्स डे सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? दो क्लासों के बीच में घमासान युद्ध होगा, स्कूल के क्रिश्चियानो भाटी और मोहन मेसी का आमना सामना होगा। नहीं नहीं, स्पोर्ट्स डे में अगर कहीं युद्ध हो रहा होता है तो वो बच्चों के बीच में स्पोर्ट्स डे की टीम में कौन खेलेगा उस चीज के लिए हो रहा होता है। अटले बटले अपाहिज सारे बच्चों को स्पोर्ट्स डे में खेलना है। स्कूल को स्पोर्ट्स डे के लिए अब एक अलग से स्पोर्ट्स डे रखना पड़ रहा है। उधर बेचारे टीचर्स की फटे में आ रही है, यार सलीम सर चार रात जगा था तब तो मैंने 5 गेम सोचे थे स्पोर्ट्स डे के लिए, अब ये भड़मुंजी के बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स डे के लिए भी एक स्पोर्ट्स डे होगा, जो बच्चे वाला स्पोर्ट्स डे जीतेंगे वो ये वाला खेल पाएंगे। अरे गेम तो मेरे को सोचने पड़ रहे ना। एक बात बताओ सलीम सर, मेरे को देख के लगता है मैं जरा सा भी क्रिएटिव सर। नहीं, आप जरा पीछे हटके अच्छे से देखिए मुझे, एक फोटो भी निकालिए ना। अच्छा लगता हूँ जरा भी क्रिएटिव इंसान। खैर अभी स्पोर्ट्स देख ले ये गेम से अपने पास। पहला जलेबी रेस, ज्यादा जलेबी आएगी स्टाफ में भी बटवा लेंगे, और पहली बार जलेबिया लाला जी के यहाँ से आएगी, बड़ी मस्त देते हैं। दूसरा 100 मीटर दौड़, जिसमें 20 मीटर के बाद तो कुछ दिखना नहीं है, स्कूल का ग्राउंड खत्म हो जाता है, जंगल लग जाता है। जो भी बच्चा जंगल से सही सलामत आया दे देंगे अवार्ड उसे। इसने मुझे बताया नहीं कि मेरे पीछे 7 प्रकार के जानवर भी दौड़ेंगे रेस में। वैसे जंगलों में मुझे बेयर गिल्स भी मिले थे, वही डिस्कवरी वाले मैन वर्सेस वाइल्ड, ज्यादा बात तो कर नहीं पाया मैं उनसे क्योंकि मेरे पीछे शेर दौड़ रहा था। वैसे अभी मुझे कोई बताएगा मैं कितने महीने बाद रेस से आया हूँ? मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ भाई, बच्चे हर गेम में हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लास में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि अगर तुम स्पोर्ट्स डे में जीतोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जब मैं छोटा था मुझे लगता था अमिताभ बच्चन ही सरकार है। अभी मुझे नहीं पता मुझे बचपन में ऐसा क्यों लगता था, और मुझे ये भी नहीं पता मैं ये तुम्हें बता भी क्यों रहा हूं, स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा है। यहाँ पे जोक आना था, जोक लगा दो भाई। बच्चे आज तक जो गेम सुने तक नहीं है उन तक में हाथ उठा रहे हैं। तो ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज, सर सर आपको अपनी माँ की कसम सर प्लीज मैं। अरे आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? अब हाँ सर खेला है ना। अली अब सर वो अली बेटा अली, हाँ ठीक है सर मैंने कभी नहीं खेला यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब ये ऐसा करते हैं, ऐसा लगता है क्लास में नंगे खड़े हो यार। पर तू तो सच में नंगा खड़ा है।
तो अब उसमें भी मेरी गलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे अलग लगेगी और बाकी दिन अलग लगेगी। अब मेरा बाप गरीब, मैंने उनको बोला कि कोई भी एक यूनिफॉर्म ले आना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली ले आए तो बाकी दिन तो नंगा ही आऊंगा ना। तेरे को बोला ना पीछे खिड़की बंद कर। ठंडी हवा से पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई है यार, पिछवाड़े का पॉपस्टिकल हो गया है यार, अब तो कहीं जाना भी होगा तो फिसल के चला जाऊंगा। ये वाओ, कल से मैं भी नंगा आऊंगा। मेरे स्कूल में ग्रुप लीडर्स आते थे स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चे सिलेक्ट करते हैं, और सच बता रहा हूँ ये ग्रुप लीडर से ज्यादा दिमाग से पैदल बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। इन लोगों को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया का कोई भी काम हो वो क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही कर सकता है। स्कूल की कोई भी चीज हो ये आके सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को ही उठाते हैं। भाई एक बार ना एक बच्चे के पापा शांत हो गए, ये ग्रुप लीडर को बोला जाके बता दे। ये वहाँ जाके बोल रहा है, सन्नी तू क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता है ना? हाँ भाई। हाँ तो फिर तेरे पापा मर गए। ये सुन के सन्नी की हलक में आ गई। ओए क्या बोल रहा है, मेरे पापा जी तो 5 साल पहले ही मर गए, अब ये नया पापा जी कौन आ गया? मेनू रजिस्टर दिखाओ, कहीं रात में पापा जी तो बिस्तर के नीचे से आवाजें नहीं करते। ओए पापा जी आप हो क्या? क्या? ओए अगर पापा जी हो तो नीचे क्यों लौट रहे हो, ऊपर आ जाओ ना। ये ग्रुप लीडर मेरी क्लास में आता है। 100 किलो वजन उठाई मैं। विक्की तू आ जा क्योंकि तू टॉपर है। मनीष तू भी चल, और राजेंद्र तू आ जा क्योंकि तू मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं तू मुझसे अच्छा पढ़ता है। सर सर ये बच्चों को ले आया मैं। क्या हुआ बच्चों, स्कॉलरशिप अटक गया है, ये बाथरूम से रोने की आवाजें आ रही है। देखो बच्चों अपने स्कूल के बाथरूम के बाहर एक पेड़ है जिसपे लंगूर बैठ के ऐसी आवाजें निकालता है, डरने की बात नहीं है, थोड़ा फुसफुस करना भाग जाएगा। अरे नहीं नहीं सर मैंने वो 100 किलो वजन उठाई के। मत कहना तुम इन तीनों को 100 किलो वजन उठाई के लेके आए हो, इन तीनों को मिलाने के बाद भी 100 किलो नहीं होगा। और ये बच्चा तो पिछले साल खुद 25 किलो का वजन बना था। थू, पता नहीं कौन बना देता है तुम्हें ग्रुप लीडर्स। क्लास में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। स्पोर्ट्स डे के दिन माहौल ही अलग रहता है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइप अप रहते हैं, मैं ही जीतूंगा, उधर साइड में कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं, अरे यार आज तो स्पोर्ट्स डे था मैं बस्ता लेके क्यों आ गया, बिना बस्ते के आता तो कितना सेक्सी लगता। कुछ बच्चे अपने ही सपनों में डूबे हैं, काश मैं लास्ट मिनट में अपनी टीम को जिता दूं जिससे मेरे कपड़े फट जाए और मेरे 10 पैक एब्स नालिनी को दिखे, पूरी स्कूल मुझे उठा ले और भीड़ में आगे चलता हुआ बदसूरत सर मुझे देख के बोले, ध्यान से वो हमारा हीरो है। लेकिन मनोज सर ये बच्चा तो चेस मैच खेल रहा था तो इतनी लगी कैसे, और ये कपड़े वपड़े कैसे फट गए, बॉर्डर पे चेस खेलने गया था क्या? मीनवाइल बॉर्डर पे चेस मैच। चेकमेट हबीबी। वल्ले वल्ले ओए हबीबी, हम तो कंट्री हार गए। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो कुछ टीचर्स ना स्पोर्ट्स डे के दिन अलग ही जोश में रहते हैं। मन्नू तुम हमारे स्टार प्लेयर हो, तुम्हें हमारा ग्रुप जिताना ही होगा, अगर तुमने हमारा ग्रुप जिताया तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, नाम पैसा लड़कियां लड़के, ऐसा मोटिवेशन मिलेगा ना तुम्हें। कुछ टीचर्स तो चक दे इंडिया के शाहरुख खान ही बन जाते हैं। किरण अरे नहीं नहीं नहीं, चक दे इंडिया में शाहरुख ऐसा थोड़ी ना करता है, मुझे ये MP4 शाहरुख खान व्हाट्सएप स्टेटस देखना बंद करना पड़ेगा। 70 मिनट। 70 इंग्लिश में क्या होता है, जरा 2 मिनट तो चुप रह ले। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ये 70 मिनट तुम अपने लिए खेलोगे, अपने नारंगी ग्रुप के लिए खेलोगे, जी भर के खेलोगे। और आज तुम, लेकिन सर हम तो हार के भी आ गए। 70 मिनट में नहीं सर, 10 मिनट में, कायदे से तो 7.5 मिनट में, वो तो 1.5 मिनट ऊपर आने में लग गया, और 1 मिनट बंटू बोला कि सर का भाषण सुन लेते हैं, वरना चमेटा मार देंगे। स्कूल में बच्चों से ज्यादा टीचर्स स्पोर्ट्स डे को सीरियसली ले रहे होते हैं। बाबूजी फरीदाबाद स्कूल में फीफा वर्ल्ड कप के रूल से स्पोर्ट्स डे खेला जा रहा होता है। हाँ, नहीं सर ये गोल नहीं है, ये तो फाउल है। कैसा फाउल है भैया, हमारा हाउस जीत रहा है तो चीटिंग कर रहे हो? चुपचाप गोल दे दे रेफरी, वरना सबको बता दूंगा तेरी बीवी मेरे घर पे सोती है। वो इसलिए क्योंकि हम आपके किराएदार हैं। तो क्या हुआ, सोती तो मेरे घर पे ही है ना। तुम देख रहे हो स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स छोड़कर दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। कुछ टीचर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ टीचर्स स्टाफ रूम में बैठकर लाला जी की जलेबियां लपेट रहे होते हैं, कोई बच्चा खाली क्लास का फायदा उठाकर कंपॉक्स चोरी कर रहा होता है, आधे बच्चे ग्राउंड में धूप की वजह से पानी के लिए मर रहे होते हैं क्योंकि स्कूल के वाटर कूलर में तो कोई गिलहरी मर रखी है या कोई मगरमच्छ ने अंडे दे दिए हैं। भाई एक तो ये स्कूल का वाटर कूलर ऐसा लगता है कोई से जुरासिक दुनिया से जुड़ा हुआ है, जो जीव आज तक दुनिया में नहीं मिले वो इसमें पल रहे होते हैं। तुम जब भी उसमें पानी लेने जाओगे तुम्हें एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिलेगी, मेंढक की टांग, चूहे का सर, या बोनस में तुम्हें प्राचीन काल का जानवर भी मिल सकता है। मगर खैर इसी मारामारी में तुम्हारा स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाता है, और न जाने कैसे स्पोर्ट्स डे के जस्ट अगले दिन तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है प्रिंसिपल के दिमाग में फिर से एकदम से
स्कूल में तो फाइनल एग्जाम्स होने चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। अरे कैमरा उधर क्यों कर रहे हो, वो एक लड़का है। डोंट वरी, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये जोक काट देंगे हम, डोंट वरी। हेलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो नाइस है। नाइस। क्योंकि कुछ चीजें रियलिटी थी, कुछ फैंटेसी थी, ये बात सही जैसे है। जैसे ग्रुप लीडर ऑब्वियसली वो चूज करने वाला, कुछ का पता होता है कि भाई ये तो स्पोर्ट्स खेलता है तो इसको तो लेना ही लेना है, अब किसको लेना है, तो ये अच्छा पढ़ता है ना, इसको लेके देख लेते हैं, ये कर लेगा, इसको सब आता है, इसको सब आता है ना, इस टाइप का होता है ना, इसको सब आता है, ये है। और कुछ कुछ होते भी हैं, मतलब ऐसे मल्टी लेटर, मतलब वो कर भी लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, इस टाइप के भी होते हैं। ग्रेट, तो हमारे भी थे बहुत सारे, होते हैं हमारे यहाँ तो थे, तुम्हारे थे, तू नहीं थे, तुमने से एक भी नहीं थी, मतलब किसी भी, मैं भी इसकी तरह थी। ओ शिट, आज तो स्पोर्ट्स है, आज स्कूल जाना पड़ेगा यार। ओहो, ओ शिट यार, इसमें पार्टिसिपेट भी करवा लिया मुझे, ओ मुझे तो करना ही नहीं था, मुझे तो छुट्टी चाहिए थी, मुझे घर पे एक दिन। मेरा सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स था जिस दिन संडे, उस दिन मुझे घर पे आराम से। नहीं भाई, अपन तो बहुत खेलते थे, हम लोग तो काफी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, मतलब हमारा क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, सतोलिया, और नया नया कौन कौन से गेम होते थे जो छोटे टाइम पे भी होते थे, सारे गेम होते थे, सब में पार्टिसिपेट करते थे। मैं नहीं खेलती थी, मैं बहुत लेजी थी इस मामले में, मतलब मुझे ऐसे यहाँ से उठ के कोई चलवा ले, अरे यार बस कर यार, जरूरत है क्या। नहीं यार, मजा आता था हमारे तो, हमको तो मतलब मजा आता था, एंटरटेनिंग रहता था काफी, बहुत सारे लोग नए नए आते थे। हमारा तो क्या इंटर स्कूल वगैरह भी होता था, कभी तो किसी स्कूल के साथ ही मैच होते थे। मैं डांस पार्टिसिपेट करती थी, मैं खो खो खेलती थी और बैडमिंटन, ये तीन मैंने खेला है, बाकी ऐसे बाकी कुछ मैं मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। हम लोगों तो सब खेला, मतलब खो खो तो हम खिलाते थे, खो खो फिर कभी कभार खेला था, सॉफ्ट बॉल, बेस बॉल टाइप वो खेला था, क्रिकेट खेला है, सितोलिया वगैरह होती। ओ भाई क्यों ला गया, कैरम। कैरम तो नहीं खेलती मैं, बहुत ही गंदा खेलती हूँ। वाह, स्पोर्ट्स से याद आ गया, बैठ के मैं मच्छर मारा करती थी। तो गाइस, आपको क्या रिलेट था ये हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि कुछ चीजें हमारी तो रिलेट थी, क्या आज भी वही स्कूल में मगरमच्छ और ये होते, हमारे स्कूल में नहीं थे, हमारे स्कूल तो कुछ ज्यादा ही, ये पता नहीं है कि कौन से गांव के स्कूल में, नहीं गांव में भी नहीं था, जंगल के स्कूल में था, गांव के स्कूल में भी ऐसा, मतलब कौन सा शहर के पास का स्कूल था। हां बिल्कुल, एकदम आउटर में, जंगल के अंदर एकदम, क्योंकि वो बोल दिया 20 मीटर का जंगल चालू होता है, लोग भाग रहे थे, ये जंगल में ही ज्यादा, मतलब ये इनका ना, जैसे वो नहीं क्या आजकल के स्कूल्स ऑक्सफोर्ड से भी गांव के, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, गांव के अंदर रहता है, बिल्कुल बिल्कुल गांव के अंदर भी नहीं, शहर जंगल के अंदर रहते हैं पहले, वैसे रहते हैं तो जानवर तो आएंगे ही। खैर, तो बहुत सारा मजाक हो गया, आपके साथ कैसा हुआ है, आपने अगर किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो, अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो तो प्लीज डू कमेंट, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, तेरा भी हो तो भी कमेंट करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो यार, एंजॉय मिलेगा, आपको भी फन मिलेगा, हमको भी मिलेगा, हमको आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा, आपको भी हमको अगर जानना है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आपको हमारी स्टोरीज मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, लाइव की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आप जो सवाल पूछना चाहते हो वहाँ पे जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।